क्वार्टर फाइनल मुकाबला है ग्रुप ए से, जीतने वाली टीम सेमीफाइनल में पहुंचेगी। टॉस को जीता है जांबुलपाड़ा के कैप्टन मोरेश्वर सुतार ने और पहले गेंदबाजी चुनी है। लेकिन बहरहाल ग्रुप डी का दूसरा मुकाबला आपके सामने, आइए उसकी ओर रुख करते हैं, जहां पर 65 रनों की चुनौती सानवी 11 आमने टीम के सामने रखी है जायंट्स 11 सावद ने। शाम ढलती हुई, सूर्य देवता पश्चिम की तरफ पूरी तरह से अब झुक चुके हैं, सूर्यास्त का समय है और थोड़ी सी मध्यम मध्यम रोशनी मैदान में, कुछ देर बाद फ्लड लाइट्स भी ऑन हो जाएंगी। यहाँ पर कमाल का आयोजन है ALPL सीजन 1 का, स्वागत है आप सभी का। एक अच्छा टारगेट सेट किया गया है, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ योगी पाटिल है। योगी, इस स्कोर पर अच्छा संघर्ष उम्मीद किया वो कर सकते आप? हो निकित, अजय अपन धावसंख्या मोटी सुद्धा म्हणू शकणार नाही, छोटी सुद्धा म्हणू शकणार नाही आहे, आणि 65 धावांचा मात्र इथून या ठिकाणी पाठलाग करायचा आहे। आणि मी सुद्धा मात्र थोडासा अचलंबित झालो की निखिल पाटीलला मात्र खूपच उशिरानं प्रमोशन दिलं गेलं, कारण या सत्रामध्ये आपण जर पाहिलं तर आमने लोणार परिसरामध्ये निखिल पाटील चांगल्या भन्नाट फॉर्ममध्ये आहे, इज अ बॅटर इज अ बॉलर, परंतु कुठेतरी क्रमवारीमध्ये चेंजेस पाहायला आपल्याला, परंतु या गोष्टी मात्र जरतरच्या आहेत। आता मात्र तुम्हाला 65 धावांचा जर या ठिकाणी संरक्षण करायचं असेल तर या ठिकाणी तुम्हाला खेळ चांगला करावा लागेल। आणि पाहू जा इथे मात्र बॅटिंग मात्र कशा रीतीने पारंभलेल ते म्हणजे सानवी 11 आमने संघाच्या वतीने। सलामी जोडी खेळपट्टीवरती आहे, एकीकडे पाहू शकाल देवेन तर त्याच्या सोबतीला आहेत अरविंद अर्थात कुमार, दोनों भी ऐसे बल्लेबाज है जिन्होंने कई बार ओपन किया है आमने टीम के लिए। दोनों भी आमने के खिलाड़ी है और सानवी 11 आमने के लिए ही खेलते हुए इस ALPL में। आमने टीम में आमने के कई सारे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, किरण दलवी को हमने देखा, भावेश जोशी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खेले हैं इस मैच में, पहला ओवर लेकर दिगंबर माली खुद कप्तान तैयार होते हुए, कैप्टन के सामने कैप्टन है, पहली गेंद ओवर द विकेट, खूबसूरत गेंद, ड्राइव करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से बीट हुए, अच्छी रफ्तार वाली गेंद भी थी, आगे रखा था, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, पहले ऐसे लगा कि शायद वो ऑन साइड में खेलने की तैयारी में है, लेकिन फिर बल्ला तो चलाया था, ड्राइव करने का प्रयास किया था ऑफ साइड में लेकिन बीट हुए। हो नक्कीच अजय, आपण जयंत शिलवान साबत संघाचा विचार केला तर त्यांच्याकडे सुद्धा मात्र 3 प्रॉपर चांगले गोलंदाज आहेत। आपण दिगंबरला पाहिलं, दैवत आहे, निखिल आहे, मॅच चांगली होणार आहे त्यात काही शंका नाहीये। ओ इथे मात्र 5 शपल होऊन उकरण्याचा प्रयत्न, परंतु शत्रक त्या ठिकाणी सज्ज आहेत, एक धाव तिथे मात्र या ठिकाणी देवेंना पूर्ण केली, देवेंना आपलं स्वतःचं खातं उघडलं आणि या संघाचा अकाउंट मात्र त्या ठिकाणी ओपन केलं एका धावेने। हालांकि बल्ले के बीचोबीच ले नहीं पाए थे, लेकिन पहला रन बहुत ही इंपॉर्टेंट रन होता है, पहला रन कम से कम एक रन तो कोई भी बैट्समैन बनाना चाहता है, शून्य पर कोई आउट नहीं होना चाहता है, तो वो पहला रन स्कोरबोर्ड पर लगाते हुए देविन कैप्टन ने खाता खोला है खुद का और टीम का। और एक बात ये भी है कि किरण पाटिल दोनों टीमों के बीच का अंतर साबित हो सकते हैं, गेंदबाजी कमाल की उन्होंने, दो ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए, एक मेडन ओवर भी डाला और एक सफलता प्राप्त की, बल्लेबाजी के लिए किरण कौन से नंबर पर आएंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल ओपनर्स किस तरह से शुरुआत देते हैं इस पर सभी की नजरें लगी हुई है। टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, कुछ समझ नहीं पाए, मौका है रन आउट का, ओहो हो बाल बाल बच गए कुमार। हो नक्कीच, त्या ठिकाणी मात्र एक छोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न कुमारने केला होता, परंतु असं वाटलं होतं की मात्र दिगंबर चांगल्या पद्धतीत तिथे मात्र चेंडूला उचलून फेक करेल, परंतु त्याच्या हातातून सुद्धा मात्र चेंडू निसरला, रिप्ले बघते तुम्ही पाहू शकाल, अगदी शरीराचा वेध घेणार चेंडू होता, तदनंतर पाहिजे एक्झॅक्टली चेंडू परफेक्टली कॅरीज कलेक्शन केलाच नाहीये, आणि त्या अनुषंगाने दैवतकडे सुद्धा मात्र संधी होती, ती संधी सुद्धा मात्र त्याने गमावली। मुझे लगता है की दिगंबरने थोडी जल्दबाजी की, समय था दिगंबर के पास, दैवत के पास मौका बहुत ही कम था, दैवत ने प्रयास अच्छा किया था, लेकिन दिगंबर के गेंद हाथ में आ जाती तो निश्चित रूप से काम तमाम हो जाता वहां पर अरविंद उर्फ कुमार का। विकेट अट्रिसाडी संघाने पुरस्कृत सचिनजी पाटील आणि शरदजी पाटील यांच्याकडून 3555 रुपयाचा पारितोषिक गोलंदाजाला मात्र दिला जाणार आहे। या ठिकाणी पाहू शकता अगदी शरीराचा वेध घेणारा चेंडू आहे, परफेक्टली लेंथ यॉर्करचा प्रयत्न दिगंबर मालीने केला आणि पाहू शकाल पंचाचा लेग बायचा इशारा तिथे मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय, काय जबरदस्त सुरुवात पहिल्या पारुपलीच्या षटकामध्ये दिगंबर माली करत असताना। अरविंद के फुटवर्क को देखते हुए गेंदबाजी की जा रही है, थोड़ा सा रूम बनाकर खेलने का प्रयास कर रहे थे और उसी के चलते उनको फॉलो करने की कोशिश की थी और बराबर पैर पर निशाना साधा था दिगंबर ने, अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी शुरुआत देते हुए अपनी टीम को कप्तान दिगंबर माली, 65 रनों का पीछा कर रही है इस मैच को जीतने के लिए सानवी 11 आमने टीम, मिस्टर सुरेंद्र भी फेम टीम। अगली गेंद लेकर दिगंबर ओवर द विकेट, सामना करेंगे देवेन, इस बार शफल करते हुए लॉफ्ट करना चाहते थे, बीट हुए है, एक और अच्छी गेंद
बल्लेबाज कहीं ना कहीं अब दबाव में नजर आते हुए और थोड़ा इम्प्रोवाइज तरीके से भी खेलने का प्रयास कर रहे, खासतौर पर देवेन। आत्मविश्वास की कमी झलक रही है, अभी तक दोनों भी बल्लेबाजों ने मिडल नहीं किया है। हो निकित आणि त्याचा फायदा मात्र कुठेतरी गोलंदाज दिगंबर माली उचलतोय असंच मात्र या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो, कारण आतापर्यंत चार डॉट श्री त्याने मात्र हाताळले, फक्त बॅटच्या स्वरूपात आपल्याला एकच धाव या पहिल्या पॉवर प्लेच्या खेळामध्ये पाहायला मिळाली। अंतिम चेंडू या षटकातील हा फटका पाहिला तर थोडा वेळ हापेज होता, परंतु बॅकवर्ड पॉईंटला मात्र तिथे या फिल्डर सज्ज आहेत पप्पू, आणि काय जबरदस्त मात्र स्पेल राहिला, विकेट्स मात्र दिगंबरला मिळाली नाही, परंतु कंदुसी गोलंदाजी त्याच्याकडून पाहायला मिळाली। फक्त आणि फक्त त्यांनी तीन धाबा खर्च केल्या पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर, 65 धाबांचा पाठलाग करत असताना सानवी 11 आमने संघ। आवश्यक रन रेट पारी की शुरुआत में 11 के करीब था, अब 11 के ऊपर जाता हुआ 12 के भी ऊपर चला गया है, क्योंकि 5 ओवर्स में 62 रन चाहिए, मात्र 4 मिनट में पहला ओवर कंप्लीट किया गया है दिगंबर माली द्वारा। और उसका प्रमुख कारण ये रहा है कि बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक्स नहीं खेल पाए, जब गेंद आउटफील्ड में जाती है तो वहाँ पर थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन ज़्यादातर गेंदें आपने देखी कि विकेट कीपर के पास चली गई थी। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल यहाँ पर जयंश 11 सावत टीम द्वारा, लालू मैदान में आए हैं। और इस मैच में हमने देखा कि सानवी 11 आमने टीम ने तीसरे ओवर में इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया था, भावेश जोशी को उन्होंने आक्रमण पर लाया था, हालांकि वो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डाल पाए, दो ओवर में 29 रन खर्च किए उन्होंने, काफ़ी खर्चीले साबित हुए, सबसे ज़्यादा रन उन्होंने खर्च किए। हो नक्कीच, आणि इम्पॅक्ट प्लेअरसुद्धा मात्र नक्की आपण जर पाहिलं तर नक्की त्याच्या नावारूपाने त्याला खेळ मात्र सादर करणं फार गरजेचं असतं, परंतु आपण या स्पर्धेमध्ये पाहिलं तर कुठल्या इम्पॅक्ट प्लेअरने एवढा इम्पॅक्ट टाकला नाही आहे। एक मात्र नितीन भंडारीचा आपण उल्लेख करू शकतो की त्याने मात्र आपल्या संघाला ऑल आउट होऊन मात्र वाचवलं होतं ती शेवटच्या ओव्हरमध्ये, काय डिफेन्सिव्ह स्ट्रोक त्याच्याकडून पाहिले आपण। जी हाँ, ALPL को सीधे टेस्ट क्रिकेट के मोड में लेकर चले गए थे नितिन भंडारी, लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हो, किस सिचुएशन में करते हो, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। दैवत वेलेकर दूसरा ओवर लेकर तैयार होते हुए नॉर्थ एंड से, स्ट्राइक के समय देवेन के पास गियर चेंज करने होंगे सलामी बल्लेबाजों को, शुरुआत धीमी रही है सानवी 11 आमने की। ड्राइव किया, गेंद दबाव में है, बढ़िया शॉट, बहुत ही शानदार टाइमिंग, कवर्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। दरम्यान आपल्याला या स्पर्धेसाठी दुसऱ्या क्रमांकासाठी, तिसऱ्या क्रमांकासाठी आणि चौथ्या क्रमांकासाठी ज्या आम्हाला ट्रॉफीज लाभल्या त्याचे पुरस्कार ते सन्मान प्रवीणजी केणे अगदी सुजल एंटरप्राइजेस स्टँडमध्ये उपस्थित आहेत, त्यांना विनंती करतो की आपण आमच्या व्यासपीठावरती येऊन असताना आपण व्हायचं आहे। आणि ज्या आपण ट्रॉफी जर पाहिल्या तर स्वर्गीय अस्मिता बालराम केणे यांच्या स्मरणार्थ आम्हाला ट्रॉफीज लाभलेल्या आहेत, आमने गावचे समाजसेवक प्रवीणजी सखाराम केणे, आपलं मी नक्कीच आभार व्यक्त करतो, विनंती करतोय पहा आमचे कॅमेरामॅनसुद्धा मात्र त्या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत, विनंती असेल की आपण यावं व्यासपीठावर, आपलं या स्पर्धेच्या वतीनं आयोजकांच्या वतीनं सहर्ष स्वागत आहे। इस बार लॉन्ग वे शफल करते हुए बिहाइंड स्क्वेअर खेलना चाहते थे ऑन साइड में, और ये शॉट ज़्यादातर खेलने का प्रयास हो रहा है देवेन द्वारा, अभी अभी एक क्लासिक चौका जड़ा उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव करते हुए। एक बार फिर से आप देख सकते हो सुजल एंटरप्राइजेस स्टैंड में हमारे ट्रॉफी स्पॉन्सर मिस्टर प्रवीण केणे, स्वागत है आपका, और मेरे ख्याल से महेंद्र केणे भी, महेंद्र पाटिल भी वहाँ पर उपस्थित है, आपका भी हार्दिक स्वागत। दैवत वेलेकर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, लेंथ बॉल, ड्राइव किया ऑन द राइज, फील्डर है पीछे, ओ बढ़िया कैच, पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी थी लेकिन दूसरे प्रयास में कोई गलती नहीं की वहां पर आतिश ने, अच्छा कैच और विकेट का पतन। जबरदस्त कैचिंग आतिश पाटिल होते त्या ठिकाणी मैन फ्रॉम सांगे, परंतु दुसऱ्या अटेम्प्टमध्ये मात्र पाहिलं तर या ठिकाणी झेल पकडला गेला आणि 7 आकड्यावरती हा पहिला धक्का लागत असताना सानवी 11 आमने संघाला। किरण पाटिल आइकॉन प्लेयर, बड़े खिलाड़ी है किरण, आज भी खेलेंगे कल भी खेलेंगे, शो मैच में किरण हमें नजर आएंगे। आपने लोनार्ड स्टार्स की ओर से
पीटीसी के विरुद्ध उनका वो मुकाबला होने वाला है। लेकिन इस मैच में बड़ी जिम्मेदारी निकल के मारा है, फील्डर से दूर खेला है, ये भी गेंद हवा में रही थी और फिर से आतिश एक्शन में अच्छी फील्डिंग करते हुए एक रन यहाँ पर मिलेगा किरण को। अच्छा खेलते हैं, कवर ड्राइव बहुत बेहतरीन लगाते हैं, इनसाइड आउट कवर की दिशा में या फिर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बहुत आकर्षक शॉट्स खेलते हैं, सामने की दिशा में बड़े प्रहार करते हैं किरण पाटिल, और गेंद के मेरिट पर खेलने की क्षमता है। आणि या सत्रामध्ये मी किरण पाटील जे पाहिलेलं आहे की आता मात्र की ज्याप्रमाणे या मॅचची शिक्वेशन असते त्या अनुषंगाने तो मात्र खेळ सादर करण्याचा मात्र प्रयत्न करत असतो, आणि ही एक चांगली बाब आहे त्याच्यासाठी, कारण आपण पूर्वी किरणचा खेळ पाहिला असेल तर अडगीच तो मात्र मोठ्या फटक्यामध्ये तो डील करायचा, परंतु आता मात्र तसं नाही, परिस्थिती पाहून तो मात्र खेळ सादर करत असतो, आणि त्याच अनुषंगाने आता मात्र या ठिकाणी एक संकटमोचिकाची भूमिका आता मात्र सानवी इलेव्हन आमने संघासाठी त्याला मात्र या ठिकाणी सादर करावं लागेल। दैवत पुन्हा एकदा वो यॉर्करचा प्रयत्न अगदी इष्टांच्या रोखण्या चेंडूची हाताळणी केली होती, अगदी खोदून काढला हा स्ट्रोक कुमारनं, जवळपास मिडॉनवरती चेंडूला उचलून फेक करतील तोपर्यंत एकच धाव तिथे मात्र या ठिकाणी पूर्ण केली गेली, आणि या सिंगलच्या वतीनं धाव फलक्यावरती आपण धाबा जर पाहिल्या तर एक गडी बाद 9, आणि तुम्ही पाहू शकाल या ठिकाणी पूर्णपणे आमची आयोजित कमिटी कैलास पाटील, अनंत केने, रामकृष्ण काकडे पूर्णपणे स्पर्धेकडे फोकस करत असताना जो दाहिनी तरफ दो लोग है उनके टीम्स जो है वो टूर्नामेंट से बाहर चले गए हैं, लेकिन रामकृष्ण काकड़े टाइगर अभी जिंदा है, 8-1 इस समय सानवी इलेवन आमने। अच्छी गेंदबाजी की रामकृष्ण ने पहले ओवर में, खासतौर पर पहले मैच में हल्के हाथों से टर्न किया है। किरण पाटिल बहुत ही शातिर खिलाड़ी है, कमज़ोर गेंदों का वेट करते हैं और थोड़ा सा शुरुआत में ज़रूर संयम बरतते हुए जानते हैं कि यदि क्रीज पर टिके रहेंगे तो ये रन्स बना सकते हैं, क्षमता है उनके अंदर। समाप्ति सफल ओवर रहा दैवत वेलेकर का, 7 रन खर्च के और एक सफलता उनके खाते में, स्कोर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। या ठिकाणी पहा प्रेक्षक वर्ग मात्र दाखवले जात आहेत, आणि या महिला वर्ग सुद्धा मात्र या स्पर्धेचा आपण जर विचार केला तर पहिल्या दिवसापासून मात्र या स्पर्धेमध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त संख्येने पाहायला मिळत आहेत, पाहू शकाल जिथे जागा मिळत आहे तिथून मात्र ही स्पर्धा सर्व क्रीडारसिक मात्र या ठिकाणी एन्जॉय करत आहेत। 4 षटकांमध्ये अजून विजयासाठी 55 धावांची आवश्यकता आहे, पहा काय जबरदस्त मात्र क्राऊड आहे, आणि या मैदानाचं वैशिष्ट्य राहिलेलं आहे, स्पर्धा कुठली असू द्या तुम्हाला क्राऊड मात्र या मैदानावरती सातत्याने पाहायला मिळत असतो, पाहू शकाल स्वर्गीय जानू स्फोट इताडे स्टँडमध्ये सुद्धा मात्र भरपूर प्रेक्षक एन्जॉय करत आहेत, आणि हा लोगो तुम्ही पाहू शकाल ALPL, आणि हे आमचे 6 स्टार ज्यांनी स्पर्धा आयोजित केली। भगवान पाटील साहब विशेष कार्यकारी अधिकारी इताडे, उनकी टीम क्वालिफाय कर चुकी है बीबी स्पोर्ट्स इताडे सेमीफाइनल के लिए, ये अन्य टीमों के ओनर्स भी आप देख सकते हो, श्याम पाटिल साहब को हमने देखा, श्याम दलवी साहब को, और साथ में हर्षद पारदी, संतोष काकड़े साहब, ये सभी जो टीम ओनर्स हैं इनका बहुत ही बड़ा योगदान है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए, इनके सहयोग के बिना तो इस टूर्नामेंट का होना असंभव था, सभी टीम ओनर्स को हम थैंक्स कहते हैं। चलते हैं फिर से खेल की तरफ, 24 गेंदों में 55 रनों की आवश्यकता है सानवी इलेवन आमने टीम को मैच जीतने के लिए। कप्तान दिगंबर आक्रमण जारी रखते हुए, सामने किरण है, बैकफुट पर जाकर फोर्स किया है, अच्छा प्रहार लेकिन गैप में नहीं खेल पाए, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन फील्डर मौजूद है, एक ही रन मिलेगा किरण को, गेंदों की लेंथ को बहुत जल्दी ताड़ जाते हैं किरण, और उनका फुटवर्क डिसाइसिव रहता है, आप ज़्यादातर देखोगे तो वो बराबर फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं कि कौन सी गेंद पर बैकफुट पर जाना है, कब फ्रंट फुट पर आकर खेलना है, बहुत ही शानदार फुटवर्क का इस्तेमाल करते हैं किरण पाटिल, आणि बॅटचा फ्लो सुद्धा मात्र अतिशय चांगल्या प्रमाणे त्याचा आपल्याला मिस पाहायला मिळत असतो, आणि त्याचमुळे मात्र खूप मोठी उंची क्रिकेटच्या माध्यमातून त्यांनी मात्र गाठली हे म्हणावं लागेल, परंतु या ठिकाणी कुठेतरी ज्या शिलेबन सापासकत आपण विचार केला तर गोलंदाजानं जबरदस्त कार्य केलेलं आहे, थोडंसं वर्चस्व नक्कीच आपल्याला या सामन्यावरती ज्यान शिलेबन सापासकत पाहायला, परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कधी कुठला संघ पलटवार करेल आणि कुठला खेळाडू कधी सामन्याला कलाटणी देईल याची आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाहीये। लगभग 14 के करीब का अब आस्किंग रेट है, कुमार को भी अपने हाथ खोलने होंगे, छोटी गेंद हुक करने का प्रयास, ठीक तरह से खेल नहीं पाए लेकिन गेंद पीछे निकल गई है, अच्छा एफर्ट, शॉट थर्ड मैन से खिलाड़ी आए थे, ड्राइव लगाकर गेंद को रोका है उन्होंने, हालांकि गेंद थोड़ी पीछे निकल गई थी लेकिन बाउंड्री बचाई है मेरे ख्याल से, 22 का इशारा करते हुए अंपायर, एक ही रन लिया गया है वो नक्की स्थिति मात्र जर चेंडूला जर स्टॉपिंग जर व्यवस्थित केलं नसतं तर आई थिंक चौकार मात्र तिथे मिळू शकला असता, तो पण रिप्ले मध्ये पाहू शकाल, आणि नक्की हा चेंडू पाहिल्यानंतर पाहू शकाल ओ माय गॉड काय ड्राइव तिथे मात्र पाहायला मिळाली, आणि पप्पू होते त्या ठिकाणी मॅन फ्रॉम किरवली, ISPL मध्ये भावेश पवारने सुद्धा मात्र अशा प्रकारची हाताळणी केली होती, आणि तीच हाताळणी दिगंबर मालिकेकडनं पाहायला मिळाली, जहा डाऊन द लेग्स उन्होंने बॅट्समन को आउट किया था लेकिन यहां पर चौका बचाया पप्पू ने,
ओ आपकी बार स्लॉट में गेंद जरूर है लेकिन गति कम थी, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे और पेवेलियन में लौटेंगे किरण पाटिल, ह्यूज विकेट, अच्छा कैच लपका है ऋतिक ने, ऋतिक इज मैन फॉर इतारे, काय जबरदस्त त्याचं मात्र संतुलन पाहिलं आणि या कुठल्याही प्रकारचा त्याने प्रेशर मात्र घेतला नाहीये, शेवटच्या क्षणापर्यंत चेंडूवरती लक्ष केंद्रित केलं आणि मित्र म्हणेन की देव मासा गळाला सापडलाय, जियान शिल्वानो साबत संघाच्या असं म्हणायला हरकत नाहीये। सावत के खिलाड़ी किरण पाटिल, सावत के गेंदबाज दिगंबर माली एक दूसरे की खामियां खूबियां अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए अच्छा बैटल था ये, लेकिन आखिरकार इस बैटल को जीत लिया है जयंश इलेवन सावत टीम के कैप्टन दिगंबर माली ने। गति में परिवर्तन किया था, किरण को फंसाया उन्होंने स्लोवर बॉल डालते हुए, स्लॉट में जरूर गिरी थी गेंद, ये एफर्ट जरा देखिए उससे पहले जो बाउंड्री बचाई थी पप्पू ने, यानी कि फील्डिंग का स्तर काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। हो निकित आणि मी नेहमीच सांगतो की तुमच्याकडे बॅटिंग किती लॉंग आहे किंवा तुमच्याकडे किती चांगले टॉप ऑर्डरचे बॉलर आहेत त्याला कमी महत्त्व असतो, परंतु तुमच्याकडे फिल्डिंग डिपार्टमेंट किती चांगलं आहे, जर तुम्ही फिल्डिंग डिपार्टमेंटमध्ये किमान 10-12 धावा जरी वाचवल्या तर निकित एक वेगळा इम्पॅक्ट पडतो या त्या सामन्यामध्ये। नाही, बॅट्समन भावेश जोशी आहे हे इम्पॅक्ट प्लेयर मैदान के अंदर, गेंदबाजी में वैसे ज़्यादा चले नहीं लेकिन अच्छा ऑलराउंडर है, हरफन मौला खिलाड़ी है, लंबे हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं भावेश, लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी। ऋतिक ने कोई गलती नहीं की डीप में, 12 पर गिरा है दूसरा विकेट, थोड़ी संकट की स्थिति में फंस गई है सानवी 11 आमने, यहां से जीतने के लिए और 53 रन चाहिए। लो फुल टॉस, उछाल दिया गया इनको डीप स्क्वायर लेग के ऊपर, बेहतरीन स्ट्रोक, 6 रन मिलेंगे भावेश को। अरे यहां मात्र कोणतरी बॅटिंग मध्ये इम्पॅक्ट टाकत असताना फलंदाज भावेश, लो फुलटा चेंडू होता काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी स्लॉग केलाय आणि सहजपणे मात्र मिड विकेटची सीमारेषा मात्र त्या ठिकाणी क्लिअर केली स्वर्गीय जानुसपुरी, त्याने स्टँडमध्ये चेंडू जाऊन मात्र या ठिकाणी सेफ लँडिंग झाला आणि ज्या मात्र कुठतरी एक मोमेंटम जर नक्कीच मिळवायचा होता तर या फटक्याची आवश्यकता होती, ती म्हणजे सानवी 11 आमने संघाला आणि तो षटकार अखेर या ठिकाणी आपण पाहिलं। यॉर्कर डालने का प्रयास था लेकिन नाही वो सटीक लेंथ देखने को मिली, नाही लाइन अच्छी थी, लेग स्टंप की दिशा में लो फुल टॉस बन रही थी गेंद, सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में पंछी उड़ान भरते हुए इस समय आसमान में, उनको भी कैद किया गया है कैमरेमैन द्वारा। शाम ढल रही है, इस बार कटर का इस्तेमाल लेकिन दिशाहीन हो गई गेंद, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइट का इशारा करते हुए अंपायर शानू कुरेशी और शकील कुट्टी, ये दो ऑनफील्ड अंपायर्स इस मैच के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, मोमेंटम शिफ्ट होने में ज्यादा वक्त लगता नहीं है, ये क्रिकेट का खेल है और सही मायनों में एक बड़ा ओवर चाहिए इस मैच में वापस लौटने के लिए सानवी 11 आमने को, एक सिक्सर आ चुका है इस ओवर में, एकाध क्या और चढ़ सकते हैं भावेश, जी हाँ कोशिश की है लेकिन थोड़ा मिस टाइम लग रहा है, डाउन द विकेट, अच्छा कैच बाउंड्री लाइन के करीब, बहुत बढ़िया कैच निखिल तेगेन के नीचे, कोई गलती नहीं की और भावेश को भी लौटना होगा पेविलियन में। थोडीशी या ठिकाणी पाहिला तर लॉंग ऑफ सीमारेषा क्लिअर करण्याचा प्रयत्न भावेशने केला होता, परंतु फटक्याला उंची जास्त मिळाली आणि त्याच अनुषंगाने मात्र या ठिकाणी निखिल पाटीलला थोडासा वेल तिथे मात्र मिळाला जजमेंट करण्यासाठी आणि त्यानंतर त्याने कुठल्या प्रमाणे चूक केली नाहीये, मात्र आता कुठेतरी सानवी 11 आमने संघ मात्र आपल्याला दडपणामध्ये पाहायला बोलतोय, कारण 3 फलंदाज त्याने मात्र स्वस्तात गमावले, कारण प्रथम तर देवेंद्र साई आकड्यावरती बाद झाला होता, त्यानंतर किरण पाटीलला फक्त 3 धावांचं आपलं सगळं योगदान दिलं, भावेश जोशीनं एक षटकार लगावला परंतु त्यानंतर मोठी इनिंग तो खेळू शकला नाही, तो सुद्धा 7 धावसंख्येवरती बाद झाला आणि एकूण सांगित धावसंख्या आपण जर पाहिली तर 19 वरती 3। दिल्ली अभी भी काफी दूर नजर आ रही है सानवी 11 आमने के लिए, कुल मिलाकर लक्ष्य है इस मैच में 65 रनों का, यहां से और 46 रन चाहिए। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं काउ कॉर्नर या फिर थोड़ा लॉन्ग ऑन की तरफ खेलना चाहते थे लेकिन सामने गेंद चली गई थी। अगला मैच देखना मत भूलिएगा, क्वार्टर फाइनल मुकाबला श्री गणेश रुद्रा 11 जांभुलपाड़ा बनाम वीरेन स्पोर्ट्स यवई, क्वार्टर फाइनल मैच, यानंतर तुम्हाला पाहायला मिळू शकेल तो संघ जिंकेल तो मात्र सेमीफायनल मध्ये प्रवेश करेल, परंतु हा सामना सुद्धा मात्र या ठिकाणी एक वेगळीच रणगत निर्माण करणारा आहे त्यात काही शंका नाहीये। न्यू बॅटर किरण दलवी आलाय 5व्या क्रमांकावरती खेळण्यासाठी, दिगंबर माली पुन्हा एकदा अर्धा विकेट मार्गस्थ होतोय, ओ किरणने सुद्धा मात्र फटका हवेत केलाय लॉंग ऑफला, मात्र छत्रशी सज्जात निखिल पाटील कुठल्या प्रमाणे सुख करत नाहीये, तू चलमय आयास स्थिती सानवी 11 आमने संघाची पाहत असताना या ठिकाणी अजून एक विकेटचं पतन,
क्या कमाल की गेंदबाजी और क्या कमाल का ओवर घटा है दिगंबर माली का, कप्तान का कप्तानी स्पेल। इस बार थोड़ा दूर रखा था बल्लेबाज से, तीसरा विकेट इस ओवर में झटक लिया है दिगंबर ने, और ये तो फ्री होम डिलीवरी थी निखिल पाटिल के लिए। और एक गीत जगन्नाथ पाटील साहेबांचं गुणगान गाणारं संगीत आपण डीजेच्या वतीनं ऐकलं, आणि या ठिकाणी कुठेतरी गोलंदाज आता मात्र आपल्या संघाचं गुणगान गात असताना मैदानाच्या आतमध्ये समीकरण 5-3 षटकांचा खेळ मात्र या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। 19 धावा 10 फलकावरती लागलेल्या आहेत आणि येणाऱ्या 18 चेंडूमध्ये आता मात्र जिंकण्यासाठी 46 धावांची अजून आवश्यकता आहे। सानवी 11 आमने संघाला फ्लड लाईट ऑन झालेलं आहे, काय जबरदस्त हा नजारा आपण पाहतोय। सायंकाळचा 17 आहे आणि जबरदस्त ही मॅच आणि पावसाकाल या ठिकाणी ज्या स्पर्धेसाठी ज्याचं मोलाचं मार्गदर्शन मोलाचं योगदान सर्वांनी जगनशेठ पाटील त्याचप्रमाणे विद्यमान अध्यक्ष MD आणि जे आमचे आयोजक कमिटी आहे त्यांचा तुम्ही कट ऑफ पाहू शकाल आणि त्याच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं हा कट ऑफ आपण अगदी आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती पाहिलं ते सध्या तुमच्या स्क्रीनवरती आहे। जहा जगन पाटील साहब का जन्मदिन टूर्नामेंट के पहले दिन बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पर नेवर लेकर दैवत वेलेकर आक्रमण जारी रखते हुए इस बार कुमार ने ड्राइव कर दिया है, अच्छा शॉट जरूर है लेकिन लॉन्ग ऑन मौजूद है। ओ हल्का सा फंबल दूसरे के लिए जाना चाहते हेजिटेशन मौका लेकिन खराब थ्रो और बाल बाल बच गए बैट्समैन, कोई भी आउट हो सकता था यहाँ पर। कुमार या फिर आमिर नए बल्लेबाज आए हैं क्रीज पर, तालमेल की कमी थी। दो रन आखिरकार पूरे हुए हैं, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। पारी लड़खड़ा गई है, पिछले ओवर में 3 करारे झटके दिए दिगंबर माली ने, यहां से विकेटें भी बचानी है और तेज गति से रन भी बनाने हैं क्योंकि 15 के ऊपर चला गया है। आस्किंग रेट लगातार बढ़ता जा रहा है, पारी की शुरुआत में 11 से थोड़ा नीचे था लेकिन किसी भी ओवर में 10 या फिर उसके ऊपर रन आए ही नहीं है। पहले ओवर में 2 रन आए, दूसरे ओवर में 7 रन, तीसरे ओवर में 8 रन आए और 3 खिलाड़ी भी आउट हुए। याचं कारण जे कमीत कमी मोठे फटके आपण पहिले इनिंगमध्ये एक चौकार आणि एक षटकारच फक्त आतापर्यंत आलेला आहे आणि त्याच अनुषंगानं आस्किंग रन रेट मात्र या ठिकाणी वाढताना आपण पाहिलं। फुलटॉच होता सरळ बॅटिंग ऑफ केलाय परंतु वाडीश लॉंग ऑफचा क्षेत्रशक पाहू शकाल या ठिकाणी चेंडूवरती झेपावला आणि पुन्हा मात्र त्याच ठिकाणी हॅजिटेशन पाहिलं, कॉलिंगची अभाव तिथे मात्र दिसून आला आणि फलंदाज रनआउटच्या स्वरूपात कुमार या ठिकाणी आता मात्र बाधून माघारी परततोय। इलेवन आमने टीम सनवे इलेवन आमने और जयंश इलेवन सावत के बीच में ग्रुप डी का यह दूसरा मैच आप देख रहे हैं इस समय। आमने लोनार प्रीमियर लीग 2024 आमने लोनार क्रिकेट के सुनहरे पल यह है ALPL। वन साइड हीरो बाइकर किंग ऑफ नांदकर बंड्या, क्या बात है। आणि निकीज या ठिकाणी पाहू शकाल दिगंबर माली ज्यांनी जो आज परफॉर्मन्स केला त्या गोलंदाजीसाठी संजय पाटील मिठाईवाला यासकडनं अर्थात KP सर यांच्याकडून तब्बल 2000 रुपयाचा कॅश प्राईज आलेला आहे। बायकर मॅन ऑफ नानकर अर्थात बंड्या तुम्हाला निकीज या ठिकाणी आज जियांस इलेवन संघाचं प्रतिनिधित्व करतात असं आपल्याला पाहायला मिळतोय।
आज पूरी तरह से फिट नहीं है, इसीलिए इस मैच में 12वें खिलाड़ी का रोल अदा कर रहे हैं। शायद अगले मैच में हो सकते हैं प्लेइंग 11 में। अरे अति उत्साहित है अजय, और उत्साह होना ही चाहिए क्योंकि टीम अच्छा कर रही है। यहाँ पर जीतने का अच्छा मौका है जयंश 11 सावत के पास। दबाव इस समय आमने टीम के ऊपर, लेकिन आमिर है मैदान में, फ्लिक कर दिया, बढ़िया टाइमिंग, बढ़िया प्लेसमेंट, 4 रन मिलेंगे। पहले बाउंस पर गेंद सीमा रेखा के बाहर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान गैप ढूंढा, बॉटम एंड का अच्छा इस्तेमाल, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल करते हुए आमिर पहली गेंद खेली आमिर ने, और देखिए क्या सुंदर शॉट खेला है। हवा में जरूर खेले थे लेकिन प्लेसमेंट बेहतरीन। हो ठीक है, गॅप तिथे मात्र शोधला गेला आमिरना, आणि दरम्यान या ठिकाणी सन्माननीय विनोदजी धामणे याचं या ठिकाणी शुभ आगमन झालेलं आहे, त्यांचं आपण करूया या स्पर्धेच्या वतीने हार्दिक स्वागत। आमिर शेखचा आपण विचार केला तर फक्त 500 पॉईंटनं हा या खेळाडूला मात्र नक्कीच या ठिकाणी निवडलं सुरेन दलवीनं, आणि त्याचा मात्र नक्कीच कुठेतरी इम्पॅक्ट टाकण्याचा तो प्रयत्न मात्र या सामन्यामध्ये करत असताना करणं आवश्यकता सुद्धा आहे। आता मात्र आमने सांगला की इथून तुम्ही मोठे फटके खेळण्यासाठी मात्र तुम्हाला प्रयत्न करावा लागतील। हो पुन्हा मात्र या ठिकाणी पाहू शकाल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु टॉप एज लागला, आणि या ठिकाणी पहा शॉर्ट फाईन लेगला मात्र दिगंबर माली होते, त्याने मात्र कुठली चूक केली नाहीये, झेल पकडलाय, आणि अजून एक विकेटचा पतड मैदानाच्या आतमध्ये होत असताना पुरी लटकडाती व्यापारी चरमराती व्यापारी सानवे 11 आमने की छठा विकेट गिरा है। हल्का सा अतिरिक्त उछाल था, बैकफुट पर जाकर पुल करना चाहते थे लेकिन आदर्श पोजीशन में नहीं थे और टॉप ऑफ द बैट लगी थी। बेहतरीन कैच लपका है कप्तान दिगंबर ने, कप्तान उदाहरण देकर नेतृत्व करते हुए पहले गेंदबाजी में और अब क्षेत्ररक्षण में। गेंदबाजी कमाल की रही, दौर में 10 रन देकर 3 सफलताएं प्राप्त की दिगंबर ने, और अब यह बेहतरीन कैच लपका है पूरी तरह से बैकफुट पर सानवी 11 आमने 26/6। आतापर्यंत आपण जयंश 11 साबत संघाचा विचार केला तर मात्र तिन्ही विभागामध्ये आतापर्यंत चांगलं खेळ त्यांचं आपल्याला पाहायला मिळालं, आणि समीकरण पाहिलं तर आता 14 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी 39 धावांची आवश्यकता आहे। दैवत 2 विकेट चटका चुके हैं, बल्लेबाजी में भी दैवत का योगदान कमाल का रहा, 22 रनों की पारी खेली उन्होंने और एक अच्छा टोटल बनाकर दिया अपनी टीम को। इस बार लो फुल टॉस ऑन साइड में हवा में खेलने का प्रयास था लेकिन ग्राउंडेड शॉट बना है, 1 रन मिलेगा रितेश को। इताड़े के ही खिलाड़ी है रितेश, दैवत भी इताड़े से बिलोंग करते हैं, सिंगल से अपना खाता खोला है रितेश ने। अब समीकरण 13 गेंदे शेष है, जीतने के लिए 38 रन चाहिए। नक्कीच आपण जर पाहिलं तर सामन्यात कुठेतरी आपल्याला बॅलेन्सिंग पाहायला मिळत होता, परंतु कुठेतरी विकेट जास्त इथे मात्र गमावले सानवी 11 आमने संघाने, आणि त्याचमुळे थोडासा मात्र संघ आपल्याला बागफुटवरती पाहायला मिळतोय, परंतु इथून मात्र पाहिलं तर या ठिकाणी या सामन्याला कलाटणी देऊ शकतात। कसं करू बोल ना, त्याला स्कॅनर सांग ना, पाठवतो त्याला। दोन फलंदाजा दोन्ही मात्र खेळपट्टीवरती आहेत, फुलटा चेंडू ऑन साइडला, व्हॉट अ स्ट्रोक, आणि चेंडूला पाठवला आउट ऑफ द पार्क, 7 धावांसाठी षटकार। राहुल भोईर के बल्ले से ये बिग हिट, दैवत के स्पेल की अंतिम गेंद थी, पूरा स्पेल काफी अच्छा उनका घटा था लेकिन यहां पर गलती कर बैठे, जूसी फुल टॉस और उसका फुल टोल वसूल करते हुए वहां पर बल्लेबाज राहुल भोईर, शानदार छक्का, स्कोर उछलता हुआ 33 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, 4 ओवर की समाप्ति। जरूर अभी भी हम कह सकते हैं कि मैच में जयंश 11 सावत टीम थोड़ी आगे है लेकिन मुकाबला खत्म नहीं हुआ है, 12 गेंदों का खेल बाकी है, 32 रनों की अभी भी जरूरत सानवी 11 आमने टीम को। या फटक्याची मात्र कुठेतरी आवश्यकता होती, तो फटका मात्र अखेर शेवटच्या चेंडूवरती आपल्याला राहुल भोईरच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला, आणि त्या षटकरांना मात्र कुठेतरी आता मात्र विजयाच्या कुठेतरी अशा पल्लवीत केलेल्या आहेत राहुल भोईरनं, एक वेगळी संजीवनी आता मात्र निर्माण झालेली आहे, ती म्हणजे सानवी 11 आपले संघाच्या स्क्वाडमध्ये। आणि आता मात्र समीकरण पाहिलं तर 12 चेंडू शिल्लक आणि 16च्या धावगतीनं तब्बल 32 धावा अजूनही मात्र इथून तुम्हाला जोडावा लागतील, आणि त्याच अनुषंगानं आता मात्र पुन्हा एकदा गोलंदाज निखिल पाटील आपल्याला या ठिकाणी पाहायला मिळतोय। दो युवा बल्लेबाज क्रीज पर है, राहुल भोईर और रितेश, हीरो बनने का यही मौका होता है, जब चुनौती काफी ज्यादा कठिन होती है वहां पर आप यदि अपने टीम को जिताते हो तो लोग लंबे समय तक आपको याद रखते हैं, आपके नाम की चर्चा होती है, आप हीरो बन जाते हो और रातों रात हीरो बन सकते हो आप क्रिकेट के खेल में। रितेश के पास स्ट्राइक, निखिल पाटिल नया ओवर लेकर, डगर आसान तो नहीं है बल्लेबाजों के लिए क्योंकि निखिल भी एक बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पर रखा था, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल खेलना चाहते थे ऑन साइड में, शरीर से टकराई, 1 ही रन मिलेगा वो भी लेग बाइस के जरिए,
अब 11 गेंदे और 31 रन चाहिए। पहले चेंडू वरती पाहिले तर थोड़ा सा फिंगर रोल के दिगंबर आणि त्याच अनुषंगाने ती लेंथ फलंदाज रितेशला मात्र निखिल पाटील होता आणि पाहू शकला या ठिकाणी चांगल्या लेंथ वरती चेंडूची हाताळणी झाली। लेग बायच्या रूपाने मात्र त्या ठिकाणी धाव खर्च केली। रितेशला मात्र कुठल्या प्रमाणे त्या ठिकाणी चेंडूची लाईन ओळखता आली नाही, परंतु राहुल भुईर असा खेळाडू आहे की तो कुठल्याही क्षणाला मात्र मोठे फटके खेळू शकतो आणि त्याच फटक्यासाठी आता मात्र तुम्हाला इथून प्रयत्न करावा लागतील, कारण 11 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयाकडे 31 धाबांची आवश्यकता। इथे मात्र बाप पुन्हा आता मात्र कुठतरी फलंदाजाला फॉलो करण्याचा प्रयत्न आणि तेच पंच सांगत असताना इथे लेग बाईज धाव इथे मात्र पाहायला मिळाली। म्हणजे आतापर्यंत या ओव्हरमध्ये बॅटच्या स्वरूपात धाव खर्च केली नाहीये गोलंदाज देखील पाटीलनं, परंतु धाबा कशा येतात हे महत्वाचं नाहीये। आता धाबा येणं गरजेचं झालेलं आहे ते म्हणजे सानवी 11 आमने संघासाठी, और रनों का तेज गति से आना अब जरूरी हो गया है। कुछ बड़े हिट चढ़ने ही होंगे तभी जाकर मैच जीता जा सकता है। सिंगल डबल से काम बनेगा नहीं, इस तरह के शॉट्स लगाने होंगे। हवाई फायर लॉन्ग ऑन के ऊपर से जड़ दिया है सिक्सर रितेश ने। स्क्वेयर लेग की तरफ संभवतः खेलना चाहते थे, थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, सामने गई मिड विकेट की तरफ, डीप में फील्डर मौजूद, अच्छा थ्रो, वहां से एक ही रन मिलेगा। एक और बड़ा हिट चाहिए इस ओवर में, दो गेंदे बची है निखिल के स्पेल में, अभी तक रन संख्या 42 पर पहुंच चुकी है, यानी कि अब 8 गेंदों में 23 रन चाहिए। एक छक्का आता है तो जरूर 20 के अंदर आखिर के ओवर में रन बचेंगे, और मुझे लगता है कि 15-16 रन बचते हैं तो वहां पर काफी रोमांचकारी मैच बन सकता है और मौका बनेगा सानवी 11 के पास। बट हे दोन चेंडू फार निर्णायक असणार आहेत ते म्हणजे सानवी 11 आमने संघासाठी। जर तुम्ही या दोन चेंडूपैकी एखादा मोठा फटका जर जोडला तर अंडर 20 आकडा आपल्याला अखेरच्या ओव्हरमध्ये पाहायला मिळेल आणि तिथून तुम्ही या धाबाचा पाठलाग रेकेज करू शकता, परंतु तो मोठा फटका राहुल भुईरच्या बॅटमधून पाहायला मिळेल का। गोलंदाज निखिल पाटील पुन्हा एकदा ओवर द विकेटनं, इथे मात्र लाईन पावी लागेल चुकीचे आहे आणि त्याच अनुषंगानं वाईटच्या स्वरूपात अजून एक धाव इथे मात्र जोडली जाईल। म्हणजे अशा क्षणाला जर पाहिलं अजय आपण तर प्रेशर फलंदाजांवरती सुद्धा आहे आणि गोलंदाजावरती सुद्धा मात्र पाहायला मिळतोय। निश्चित रूप से गेंदबाज पर दबाव रहेगा ही क्योंकि मॅच खत्म नाही हुआ है, यहां से जो समीकरण है वो बनाया जा सकता है और दोनों भी बल्लेबाज एक एक छक्का जड़ चुके हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं गेंदबाज के मन में भी थोड़ा सा डर तो रहेगा ही। अगली गेंद लेकर निखिल और द विकेट, ओ इस बार लपेट लिया है गेंद को ऑन साइड में, ये उड़ाया सिक्सर। कुठेतरी चेंडूवरती फिंगर रोल केलं, अप ब्रेक चेंडू टाकण्यासाठी ते प्रयत्न गोलंदाज निखिल पाटीलने केला होता, परंतु त्याच्यानंतर पाहिलं अगदी बॅटच्या स्लॉटमध्ये चेंडू आला आणि पाठवलं अगदी बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 7 धावांसाठी। समीकरण 7 चेंडू 21 ची आवश्यकता, षटकर आलाय आणि षटकराच्या साह्याने धाफलक्यावरती आपण धाबा जर पाहिल्या तर 49 झालेले आहेत, म्हणजे येणारे 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 16 धाबांची आवश्यकता आहे। कमाल का बदला है ये मैच, ऑफ कटर थी, बहुत जल्दी पिक करते हुए बैट का स्विंग गजब का, और देखिए एक घुटना नीचे टिकाते हुए फोटो के लिए पोज भी दिया, कितना आत्मविश्वास था इस स्ट्रोक में। कमाल की बैटिंग करते हुए राहुल भुईर, ये उनका दूसरा सिक्सर, 7 गेंदे 16 रन, रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला। अरे बारी बारी सबकी बारी, पहले थी सावध वालों की अब आमने वालों की। ओवर की अंतिम गेंद, लो फुल टॉस है सामने, लॉफ्टेड शॉट, फील्डर है वहां पर, ओहो जबरदस्त कैच, लाजवाब कैच ऋतिक द्वारा, अंतिम गेंद पर सफलता प्राप्त करते हुए निखिल पाटील, कहानी में एक और रोचकता। मैच मात्र या जबरदस्त हाई वोल्टेज है आणि नक्कीच जी आपण चर्चा सुरू ठेवली होती की जर शेवटच्या ओव्हरमध्ये 15-16 जर धाबा जर राहिल्या तर मात्र नक्कीच
तुमच्याकडे एक संधी निर्माण होऊ शकते. इथे मात्र हा झेल पहा अगदी लो झेल होता आणि रनिंग हँड कॅच. ऋतिकनाथ दुसरा झेल पकडलाय या इनिंग मध्ये. मॅन फ्रॉम इताडे काय जबरदस्त कॅचिंग त्याच्याकडून पाहायला मिळाली. तर समीकरण 6 चेंडू शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र 16 धावांची आवश्यकता. क्रिकेट का रोमांच धीरे धीरे अपनी चरम सीमा पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है. ग्रुप डी के इस दूसरे मुकाबले में आमने लोनार प्रीमियर लीग सीजन 1 में 6 गेंदे 16 रन, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं. फील्ड तुरंत सजाना है. हाँ नजारा पहा, सायंकाळचं 17 आहे आणि काय जबरदस्त आपण दृश्य स्क्रीन वरती पाहू शकाल. 6 चेंडू शिल्लक, 16 ची आवश्यकता. चला लगेच तुम्हाला फिल्डिंग लावायची आहे, जास्त वेळ आपण घेऊ नका. रोहन राहुल भोईरे मात्र या ठिकाणी बाद झाला आणि आता मात्र रितीच्या सोबतीला नवीन फलंदाज समीर आलाय. समीर मॅन फ्रॉम येवई, प्लीज मी विनंती करतो वेले संदर्भात आपण सहकार्य करा दैवत वेलेकर प्लीज, कारण वेल ही कोणासाठी थांबत नसते. तुम्ही मला एक रिदम प्राप्त झाली आहे, ती रिदम तोडू नका. हजारोच्या संख्येने आता मात्र किनारसिक आपल्या समेत जोडलेले आहेत. भरपूर किनारसिक ऑनलाईनच्या माध्यमातून हा सामना एन्जॉय करतायत. और ये दृश्य दर्शकों को, जो ऑनलाईन दर्शक है उनको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है. ये आमने लोनार्ड प्रीमियर लीग की जादुई दुनिया है, क्रिकेट का सुहाना सफर. शॉट अच्छा है, डीप में खिलाड़ी मौजूद है लॉन्ग लेग पर. बढ़िया फील्डिंग, एक रन पूरा किया है. ओहो ओवर थ्रो, दूसरे के लिए पलटे और 2 रन यहाँ पर पूरे. ये गलती काफ़ी भारी पड़ सकती है जयंश इलेवन सावत टीम को. 2 रनों के चलते हाफ सेंचुरी पूरी होती हुई सानवी इलेवन आमने टीम की. कुल रन संख्या 51, 7 विकेटों के नुकसान पर. अब समीकरण 5 गेंदे शेष, जीतने के लिए चाहिए 14 रन. खाई जबरदस्त सामना मात्र आठ पाहतो या. परंतु एक जाने या पटक्यावरती पाहिले तर एकच धाव होऊ शकले असते, परंतु त्या ठिकाणी ओव्हर थ्रोच्या रूपाने दुसरी धाव सुद्धा मात्र त्या ठिकाणी पूर्ण केली एका धावेचा. नक्कीच मित्र म्हणे की नुकसान झालाय जयंश इलेवन सावत संघाला, परंतु क्रिकेटचा केला आहे जर त्याला महत्व नाही आहे. 5 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी मात्र इथून 14 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी मार्गस्थ होतोय ऋतिक. हो लाईन पावी लागेल या फलंदाजाने. धाव तर मात्र तिथे मात्र पूर्ण केली आणि असं वाटतं की एक्झॅक्टली चेंडू बॅटला ब्रश होऊन मात्र या ठिकाणी या निघून गेला होता. हेच पंत सांगत असताना एक धाव तिथे मात्र कम्प्लीट. प्रत्येक चेंडू मात्र या ठिकाणी क्लायमॅक्स मात्र या ठिकाणी पाहतोय की वाढत असताना. हाय व्होल्टेज सामना इथे मात्र इकडे रसिकांना पाहायला मिळतोय. ऐसा मौका फिर कहा मिलेगा रितेश को. फुल टॉस गेंद, वो भी लेग स्टंप की दिशा में आ रही थी. यहाँ पर जरूर कम से कम 4 रन तो प्राप्त किए जा सकते थे, लेकिन मौका गवा दिया है रितेश ने. और काफ़ी निराश रहेंगे अपने आप से क्योंकि कमजोर गेंद का फायदा नहीं उठा पाए है. स्कोर अब 52 रन, 7 विकेटों के नुकसान पर. 4 गेंदे शेष है, जीतने के लिए चाहिए 13 रन. मैच यदि टाई होता है तो सुपर ओवर. नक्कीच नक्कीच या ठिकाणी पाहू शकाल. सामना जर बरोबरी सुटला तर मात्र सुपर ओव्हर असणार आहे. परंतु या ठिकाणी सुपर से उपर हा सामना क्रीडा रसिकांना मात्र पाहायला बोलतोय. ओ इथं मात्र फटका अभेद केला अगदी गोलंदाजा डोक्यावरून लॉंग ऑफ लॉंग ऑनच्या मध्ये. बाउन्स वरती मात्र चेंडूला फील केला जातोय, परंतु चेंडूला जोपर्यंत फेक करतायत तोपर्यंत फलंदाजाने 2 धावा पूर्ण केल्या. काय जबरदस्त मात्र या ठिकाणी खेळ सुरू आहे, कारण हा सामना सोडायचा नाहीये जियांश इलेवन सावत संघाला आणि हा सामना गमवायचा नाहीये सानवी इलेवन आमने संघाला. 3 चेंडू शिल्लक आणि जिंकण्यासाठी आता मात्र 11 धावांची आवश्यकता. गजब का क्रिकेट, गजब का क्रिकेट देखने को मिल रहा है इस मैच में. और इसी तरह की मैच की उम्मीद भी की जा रही थी सावत बनाम आमने. 3 गेंदे 11 रन, कुछ भी हो सकता है. स्ट्राइक अभी भी समीर के पास है, 2 रन पिछली गेंद पर लिए है. क्या बड़ा हिट जड़ सकते हैं? हाँ बिल्कुल जड़ सकते हैं. हुक किया और गेंद के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर का टिकट बुक किया. सिक्सर. काय जबरदस्त फटका मात्र या ठिकाणी, जबरदस्त शॉट सिलेक्शन. मित्र म्हणजे की ऋतिकने मात्र आपल्या स्वतःच्या पायावरती की दगड मारून घेण्यासारखी चेंडूची हाताळणी केली, कारण 3 चेंडूमध्ये 11 धावांची आवश्यकता आहे आणि फलंदाज पर्यंत अगोदरच मात्र शफल झाला होता आणि त्याच्या मात्र स्लॉटमध्ये चेंडूची टाकणं म्हणजे आपल्या संघाला कुठेतरी माघारी घेऊन जाण्यासारखी बाब आहे. शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी और ज्यादा रफ्तार भी नहीं है ऋतिक के पास. बहुत एक्सप्रेस गेंदबाजी नहीं करते हैं, ऐसे में समय मिला बैट्समैन को. परफेक्ट पोजिशन में आ गए थे समीर और कमाल की टाइमिंग, ग्रेट हुक शॉट. सिक्सर आया है. अब 2 गेंदों में 5 रन चाहिए. दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला यह मुकाबला. सानवी 11 आमने बनाम जयंश 11 सावत. ALPL का संभवतः सबसे रोमांचकारी मैच. मैच कोई भी जीते अंदर कोई नहीं जाएगा, पर तो अजय अनेक पारितोषिक अपन पाले या प्रीमियर लीग मध्ये, परंतु वीरेन स्पोर्ट येवई संघाचे पुरस्कर्ते हनुमानजी तरे यांच्या माध्यमातून
कमेंट्री पैनल साठी 500 रुपये कैश प्राइज आलेला आहे। बहुत बहुत शुक्रिया तारे साहब। लेकिन योगी क्या लगता है सुपर ओवर नक्कीच काही होऊ शकतो या ठिकाणी? हो इथे मात्र चांगला चेंडू आहे, चेंडू मध्ये गति थोडंसं परिवर्तन केलं आणि चेंडू सरळला शरीरावरती जाऊन मात्र धडकलाय। पंचाचा लेग बायचा इशारा, हृदयाचे ठोके वाटणार हा सामना आहे। दोन चेंडू शिल्लक, विजयासाठी चार धावांची आवश्यकता आणि कोणाला हृदयाचा विकार असेल त्यांनी मात्र दोन चेंडू पाहू नका, कारण आमची आयोजक कमिटी मात्र जबाबदार राहणार नाहीये। एक चेंडू चार धावांची आवश्यकता आहे, गोल्डन चौकराची आवश्यकता आहे। व्हाट अ मॅच! मुझे लगता है कि सुपर ओवर की संभावनाएं थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि सुपर ओवर के लिए 3 रन चाहिए, 3 रन बनाना थोड़ा मुश्किल है, उसके मुकाबले चौका लगाना शायद थोड़ा आसान हो सकता है तो वो भी कठिन, लेकिन 3 के मुकाबले 4 रन बनाना जरूर थोड़ा सा आसान है। ये दृश्य कमाल का है, लेकिन मैच उससे भी कमाल का मैदान के अंदर चलता हुआ। आखिरी गेंद 4 रन चाहिए, स्ट्राइकिंग गेंद पर रितेश, एक छक्का ऑलरेडी जड़ चुके हैं, अंतिम गेंद पर उनको बाउंड्री चाहिए और एक अच्छी गेंद, यहाँ पर जीत मिल सकती है जायंट 11 सावत को। लेकिन सही मायनों में क्रिकेट की जीत होती हुई इस तरह के मुकाबले काफी कम देखने को मिले इस टूर्नामेंट में। हो नक्कीच, आणि या ठिकाणी पाहू शकाल गोल्डन चौकराची आवश्यकता आहे आणि या ठिकाणी गोल्डन डिलिव्हरी, लीगल डिलिव्हरी, डॉट डिलिव्हरी आणि हा सामना जिंकलाय सचिन पाटील फॅम टीम जायंट 11 सावत। कमाल का मैच हुआ, कमाल की जीत आखिरकार जायंट 11 सावत टीम के नाम। कहते हैं कि जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी जीत, और ये बड़ी जीत। गेंद सीधे पप्पू के हाथ में और उसके बाद जश्न शुरू हो गया। दोनों पैरों के बीच में से गेंद निकल गई, बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर रहती तो शायद ये वाइड होती, लेग स्टंप के बाहर थी, लेकिन बल्लेबाज के फुटवर्क को देखते हुए गेंद की थी ऋतिक ने। ऋतिक की तारीफ बनती है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छी डिलीवरी उनकी और आखिरकार 3 रनों से यह मुकाबला जीता है जायंट 11 सावत ने। लेकिन मैच जीता जियान 11 सावत ने, लेकिन दिल जीते सानवी 11 आमने ने। जबरदस्त सामना इथे मात्र शेवटच्या चेंडूपर्यंत चित्त थरारक लढत मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाली। सर्व क्रीडारसिकांना जसा सामना हवा होता तसा सामना मात्र या ठिकाणी पाहायला मिळाला, परंतु म्हणतात ना जो जितावं सेकंदर, आणि या सामन्यामध्ये मात्र विजय संपादन केलेला आहे तो म्हणजे सचिन पाटील फेम टीम जियान 11 सावत। सगळ्यांना सो कॉंग्रॅच्युलेशन सचिन पाटील, शरद पाटील अँड हार्ड लक सुरेन दलवी। सामन्यातील सामनावीर पुरस्कार आपण देणार आहोत, नो डाऊट, ज्याने बॅटिंग करत असताना मात्र जबरदस्त सुरुवात केली, संघाची मात्र जबाबदारी त्यांनी मात्र स्वीकारली, 22 धावा केल्या आणि गोलंदाजी करत असताना सुद्धा पाहिलं तर 2 विकेट्स प्राप्त केले, अर्थात दैवत वेलेकर संघाचा 51 आहे आणि